तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठा भाई। अरे माधवी भाभी आइए आइए, माधवी भाभी आइए आइए, एकदम मजे में। मैं चाचा जी और आपके लिए मस्त पैकी गर्मा गर्म कोथिंबीर वड़ी और ग्रीन चटनी लेकर आई हूँ। क्या खुशबू आ रही है माधवी भाभी। बस ये सब चीजें ना मैं अमेरिका में बहुत मिस कर रहा था। हो ना। वैसे कैसी रही आपकी ट्रिप? एकदम एकदम मस्त। ये मैं रख देता हूँ। बहुत बहुत अच्छी रही है माधवी भाभी ट्रिप, बहुत बढ़िया रही, बहुत बहुत बढ़िया एकदम। अरे आइए आइए, रोशन भाभी, कमल भाभी, आतिफ भाई, अय्यर भाई, आइए, वेलकम वेलकम। कम ऑन जेठा भाई, वेलकम तो आपका है इंडिया में। सही बात है जेठा भाई, हमें जैसे ही पता चला कि आप अमेरिका से वापस लौट आए तो हम सब आपको मिलने चले आए। बहुत बहुत अच्छा कि आप लोग आए मिलने। आप लोग नहीं आते तो मैं आप सबके घर पे आप सबको मिलने आने वाला था। क्यों? ओ, आप सबके लिए थोड़ी थोड़ी वो गिफ्ट लेके आया हूँ ना, वो देने के लिए। नहीं नहीं, मतलब जरूरत समझ के नहीं लेके आया हूँ, प्रेम भाव से लेके आया हूँ। So sweet. क्या है कि हम गोकुलधाम वासी एक परिवार है ना, इसलिए। सही बात है। अब जेठा जी, चाचा जी कहाँ पे? ओ, बापू जी के लिए मैं एक बढ़िया सा टी शर्ट लेके आया हूँ, तो बापू जी वो जरा पहन के देख रहे हैं जरा। टी-शर्ट हो? मैम, तो झटिया। ये चाचा जी लेडीज डॉक्टर कर क्यों आए? जेठा भाई, चाचा जी से ऐसी फैशन करवाएंगे? जनरल, तुम ये चाचा जी के लिए कैसा टी-शर्ट लेकर आया? हाँ जेठिया, ये कैसा टी-शर्ट लेकर आया तू? चाचा जी, ये टी-शर्ट नहीं है, ये फ्रॉक है। जेठिया, ये क्या मजाक है? नहीं नहीं बापू जी, मैंने कोई मजाक नहीं किया है। जनरल, तुम चाचा जी को जैन टी-शर्ट बोलकर लेट द टॉप पहना गए, तो फिर ये मजाक नहीं है तो क्या है? अरे अय्यर भाई, बबीता जी प्लीज। अय्यर, बापू जी, मैं आपके लिए जो टी शर्ट लेके आया था वो ये नहीं है। तो वो कहाँ है? आई थिंक वो स्टोर वाले से गिफ्ट पैकिंग करने के टाइम पे एक्सचेंज हो गया होगा। आपका टी शर्ट किसी और को दे दिया होगा और किसी और का फ्रॉक आपको, यू नो। शायद ऐसा ऐसा ही हुआ होगा। जनरल, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो अमेरिका है। अरे तो अमेरिका है तो क्या हुआ भाई, उधर रहते तो इंसान ही है ना, और गलती इंसान से ही होती है, नहीं बापू जी? हाँ चल छोड़, अभी जो हुआ सो हुआ। बापू जी, अभी आप जल्दी से निकल दीजिए, आप अपना वो पैरन पहन लीजिए। हाँ प्लीज प्लीज चाचा जी। तो बदलूंगा ही ना, पूरा दिन ये पहन के थोड़ी घूमूंगा। इतना बढ़िया टी शर्ट लिया था मैंने बापू जी के लिए। वांडो ने? हाँ जेठा भाई, इट्स ओके, होता है। दुकान से गिफ्ट क्या, एयरपोर्ट से पूरा का पूरा बैग बदल जाता है। चलो अभी हम लोग चलते हैं, मेरे को और भी जाना है। अरे एक मिनट, आप सबके लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, वो तो लेते जाइए। कमल भाभी, हाँ ये आपके लिए है। थैंक यू। और बबीता जी, इसमें आपका और अय्यर भाई का कपलिंग और जॉगिंग करने का वो है। अरे अरे जेठा, यहाँ तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया। सही बात है। This is damn cool. पापा, बढ़िया है। ये भीड़े के लिए है। जान, थैंक यू। और ये छोटी भाई के लिए है। हाँ। और ये
हाँ आते भाई आपके लिए। अरे थैंक यू, क्या हो रहा है? अरे वाह टी शर्ट वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो ये सेम बताना, ये देखो सेम सेम। ओह वेरी नाइस, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। और जेठा जी आपका यूएस का ट्रिप कैसा रहा? अरे बबीता जी पूछिए मत। अच्छी नहीं हुई, पूछने जैसी नहीं है। नहीं नहीं मेरा मतलब है कि बहुत बहुत अच्छी रही, वो इतने दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। वैसे जेठा भाई वहाँ खाने पीने में सब ठीक था ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे भी मैं वो अपने साथ वो सूखा नाश्ता सब लेके गया था, और रामसंग कंपनी वालों का भी आयोजन बहुत बढ़िया था, जिनको भारतीय खाना खाना हो तो उसकी व्यवस्था थी। अरे वाह। और वहाँ का वो पिज्जा वगैरह अगर खाना है तो उसकी भी व्यवस्था थी। वाह। लेकिन आप सबको उधर बहुत मिस किया। जेठा भाई हमने भी आपको यहाँ बहुत मिस किया, खास करके गणेश उत्सव में। हमने गणेश उत्सव में आपको बहुत याद किया। मैं भी उधर बहुत याद कर रहा था कि अभी गणेश उत्सव है तो उधर गोकुल धाम में तो है ना, धूमधाम से आप सब गणेश उत्सव मना रहे होंगे। इस बार गणेश उत्सव पे बहुत मजा आया। इस बार कुछ रंगारंग कार्यक्रम हुआ कि? हाँ किया ना। और आपको पता है मुझे क्या पनिशमेंट मिली? जेठालाल मेरे को क्या देखता है? मेरा मतलब है यार भाई आपके होते हुए कि बबीता जी को पनिशमेंट सजा कैसे दे सकता है? जेठा जी इस बार कार्यक्रम का थीम ही ऐसा था कि सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और जवाब नहीं दिया तो पनिशमेंट मिलेगा, और पनिशमेंट के तौर पे हमें परफॉर्म करना था। तो आपको सवाल का जवाब नहीं आया, आपको एक सवाल का जवाब दिया दूसरे का नहीं। कौन सा सवाल का जवाब नहीं आया आपको? अरे सवाल छोड़ने भाई, बबीता बेटी ने जो डांस किया उसके बारे में पूछ। ओ अच्छा डांस किया आपने? हाँ। वाह। तो खाली आपको पनिशमेंट सजा मिली के किसी और को भी मिली? नहीं नहीं सिर्फ मुझे नहीं, और भी लोगों को पनिशमेंट मिली थी। ओहो वाह, ये तो बहुत जबरदस्त रंगारंग कार्यक्रम हो गया है बाबूजी। बबीता चलो चलते हैं, मेरे को वापस में लेट हो जाएगा। हाँ जेठा भाई को भी तो दुकान जाना है, हम सब चलते हैं। पप्पू जी एक बात तो कहनी पड़ेगी, सब गोकुल धाम वासी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, जैसे पता चला कि मैं अमेरिका से आ गया हूँ सब सामने से मिलने आ गए हैं। हाँ वो तो है। आइए 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 बच्चो, आओ थैंक यू बच्चो थैंक यू। कैसी रही आपकी ट्रिप? हाँ एकदम जबरदस्त, बहुत बहुत मजेदार, मजे आया। जेठा अंकल अब यूएस से हमारे लिए गिफ्ट तो लाए हो ना? हाँ ठीक होगी, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते, जेठा अंकल पराए थोड़ी ना, जेठा अंकल तो अपने हैं। क्यों जेठा अंकल? बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, और आप लोगों के गिफ्ट रेडी है। ये लो बेटा, ये देखो ये चॉकलेट के बॉक्स है, तेरे लिए दो है। हाँ बेटा। अरे 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 ले भी लिए। और ये तीन टी शर्ट तुम तीनों के लिए, और बेटा तुम्हारे लिए ड्रेस है। सो स्वीट जेठा अंकल, थैंक यू। चलो यार चलो। जेठालाल पटलाल कम बैक मैन, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या क्या सोच रहे थे? वो क्या हुआ, वो सब अभी गोकुल धाम वासी आए थे, सबके लिए मैं गिफ्ट लेके आया तो सबको दे दिया। तुम मेरे लिए भी गिफ्ट लेकर आए हो? अरे तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ पोपटलाल। क्या क्या लेकर आए हो? एक मिनट मैं अभी लेकर आया। तुम्हारे लिए स्पेशल छाता लेके आया हूँ। स्पेशल छाता?
अरे वाह, क्या क्या स्पेशल क्या है इसमें? ये एकदम रोमांचक छाता है। रोमांचक? अच्छा रोमांटिक? हाँ। कैसे कैसे? खोल के देखो। एक मिनट, मैं दिखाता। ये इसका कवर पकड़ो एक सेकंड। देखना पोपटलाल छाते को देखना। ये हार्ट शेप का छाता। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत प्यारा छाता है, है ना? वो होता है ना, वो क्या वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, उस दिन को तुम और भाभी जी ये छाता लेके निकलना। जरूर जरूर जाएंगे। सच में जेठालाल, बहुत ही अनोखा छाता है। पसंद आया ना? अरे बहुत बहुत पसंद आया। ये छाता देखते मुझे एकदम तुम्हारी याद आ गई। मना बोला है ना, ये तो लेना है, उधर के उधर 1-2-3 कर डाला है। मतलब? मतलब उधर के उधर ले लिया। ओ अच्छा अच्छा, कितने का है? अरे पोपटलाल, क्या तुम भी गिफ्ट का ऐसे भाव नहीं पूछते? अरे बराबर है, ऐसे ही जानने के लिए पूछा। ओ अच्छा, मुझे लगा तुम इसके पैसा देना चाहते हो मुझे। नहीं नहीं नहीं, गिफ्ट के पैसे थोड़ी देते, अच्छा नहीं लगता है ना। किसको? अरे गिफ्ट देने वाले को, उसको लगेगा कि मैं इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आया हूँ और अगला तोल मोल कर रहा है, बराबर ना? बताओ, इसको रख दूँ मैं? रख दो। ये अरे कमाल छाता ढूंढ के लाया हूँ मैं जेठालाल। पसंद आया ना पोपटलाल? पसंद आया। मुझे भी ये पहली नजर में एकदम ही पसंद आ गया था। मेरे छाते का कलेक्शन है ना, उसमें इसकी एक स्पेशल जगह बनेगी। अरे जय भाई। अरे अब्दुल। अरे आओ आओ दोस्त, आओ। आ गया मेरे? कैसे? आ गया दोस्त। कैसा रहा सफर? अरे बहुत मजेदार अब्दुल, बहुत मजेदार। जेड़ा भाई, रोज रात को है ना सब लोग 16 पे आपको बहुत याद करते थे। हाँ भाई, ये तो है। अरे भाई, मैं भी रोज तेरे सोडा को याद करता था दोस्त। उधर एक से एक बढ़िया वो कोल्ड ड्रिंक तो मिलते, लेकिन तेरी सोडा जैसा कुछ नहीं मिलता उधर। जेड़ा भाई, दुकान में ऐसे ही छोड़कर आया हूँ, सोचा कि 2 मिनट आपसे मिल लूं फिर चला जाऊं। ओके, मैं चलता हूँ। अरे अब्दुल एक मिनट भाई, वो तेरी गिफ्ट तो लेके जा दोस्त। सबके लिए गिफ्ट लेकर आया जेठालाल। ये इसमें तेरे लिए टोपी है, ये चॉकलेट, और पोपटलाल तुम्हारी चॉकलेट रह गई थी, सॉरी। थैंक यू, क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, अरे देख देख, पसंद आते ही क्या तुझे? ये गिफ्ट है ना। अरे वाह वाह वाह, मेड इन अमेरिका, वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू जेठा भाई, क्या बात है, वाह। अरे थैंक यू क्या उसमें दोस्त, आज तो सोडा पीने आएंगे ना? अरे आज तो आना ही पड़ेगा, कम से कम 3-4 सोडा तो पीऊंगा ही। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो चलिए जेठा भाई, चलो बोल भाई। अरे चलो का भाई, मैं भी निकल ही रहा हूँ। हाँ तो चलो। चलो 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 जेठा। ओके ओके ओके, बाय बाय जेठा भाई। ओके ओके, चलो। सभी गोकुलधाम वासियों को उनकी गिफ्ट दे दी, अभी नट्टू काका और बागा की गिफ्ट बाकी है, वो दुकान जाके उनको दे दूंगा। गए बच्चे? हाँ बाबूजी गए। तू उनके लिए गिफ्ट लाया था ना? हाँ बाबूजी लाया था, उनको दे दी। उसके बाद पोपटलाल और अब्दुल दोनों आए थे, तो उनके लिए भी गिफ्ट तो लेकर ही आया था, तो उनकी गिफ्ट भी उनको दे दी और वो भी गए यहाँ से। चलो सरस, बस अभी नट्टू काका और बागा की गिफ्ट बाकी है, वो अभी दुकान जाके उनको दे दूंगा। अच्छा जीठा, नटू और बाघा को पता है कि तू अमेरिका से आ गया? नहीं नहीं बापूजी, बिल्कुल पता नहीं है। मैं अभी दुकान जाऊंगा तो मुझे देख के दोनों एकदम खुशी के मारे चौंक जाएंगे। बस बस बस, कितना हुआ भाई? 4। दुकान तो चाचा भतीजा ने टाइम पे खोल दी है, पहला पड़ाव तो पार कर दिया है दोनों ने। और सेठ आ गए अमेरिका से? आ गया आ गया, जग्गू आ गया दोस्त, आ गया। मजा आया अमेरिका में? अरे बहुत बहुत मजा आया, मुझे भी एक बार अमेरिका जाना है। ये प्लेन का टिकट कितने का आता है? टिकट तो बाद में, पहले बेटा वीजा लगता है। हाँ तो वो कितने का आता है? पासपोर्ट है। वो कौन है? वो कौन है? तो एक काम कर बेटा, अभी तो प्यार से सबको चाय पिला, बाद में मैं तुझे पासपोर्ट कौन है वो विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है ठीक है, अभी आप दुकान में बैठिए सेठ जी,
मैं आपके लिए मस्त कड़क मसालेदार चाय लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो मैं घर से चाय पी के आ रहा हूँ, बाद में बोलता हूँ। ओके ओके ओके। अरे ये चाचा भतीजा दुकान खुली छोड़ के गए कहाँ? मेरी गैरहाजिरी में क्या ऐसे ही दुकान चलाते थे? अरे कहाँ गए चाचा भतीजा? किस चीज का चंदा मांगने निकले हो भाई? सेठ जी, वेलकम सेठ जी, वेलकम। नट्टू काका भागा? हे पंखीडू तो आवी गयो अमेरिका थी रे, पंखीडू तो आवी गयो अमेरिका थी रे, त्या शुशु मजा करी अमने कहो ने, त्या शुशु मजा करी अमने कहो ने, पंखीडू ए अमेरिकन पंखीडू बोलो ने। एक 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 भाई पहला तू आना उड़ाड़। जी 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 सेठ जी। शंकर तेरा हो गया हा? अब तू जा। थैंक यू, हाँ अब जा सकते हैं। थैंक यू सेठ जी, वेलकम टू आपके अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। थैंक यू सेठ जी, कैसा लगा आपको स्वागत? जबरदस्त, एकदम भारतीय। सरप्राइज देख के चौंक गए ना? अरे हाँ, मैं तो घर से तुम दोनों को सरप्राइज देने का सोच कर निकला था, उल्टा तुम दोनों ने मुझे सरप्राइज दे दी। तो तुम दोनों को पता कैसे चला कि मैं अमेरिका से आ गया हूँ? हमारे खास सूत्रों ने हमें बताया। खास सूत्रों ने? अब्दुल भाई जो सबकी खबर रखते हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप अमेरिका से आ गए हैं। अब्दुल भी ना एकदम भला और भोला आदमी है। अच्छा हुआ अब्दुल भाई ने हमें बता दिया, वरना आपको देख के हम शॉक्ड हो जाते। सेठ जी अचानक यहाँ? उसमें डरने का क्या, कभी ना कभी सेठ जी तो आने ही वाले थे। तू मुझे देख के डर जाता? अरे नहीं नहीं सेठ जी, तो काका मतलब आपको देख के एकदम सरप्राइजिंगली प्लीजेंटली शॉक्ड हो जाता है? मतलब आपको देख के खुशी से एकदम शॉक्ड हो जाता। हाँ तो बराबर। और धंधा पानी कैसा चल रहा है आप बताओ? अरे नट्टू काका, मेरी गैरहाजिरी में दुकान आप लोग संभाल रहे थे, मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे बागा बता ना भाई, तू खड़ा खड़ा सुन क्या रहा है भाई, बता। जी सेठ जी, सेठ जी जिस दिन से आप अमेरिका गए हैं उस दिन से लेकर आज तक धंधा एकदम जोरदार हुआ है। तो ऐसा बोलना भाई। हाँ हाँ सेठ जी, रोज 100-200 का रिचार्ज तो हम बेच ही देते थे। भागा? मजाक कर रहे हैं सेठ जी, मजाक कर रहे हैं। नट्टू काका सॉरी सेठ जी, बहुत सारे फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन बहुत कुछ बेच डाला है। अरे वाह, ये हुई ना कुछ बात। दोस्तों कड़ी गर्मी के बाद बरसात की ऋतु आती है, उसके बाद ठंडी का मौसम आता है। जीवन भी ऋतुओं के जैसा ही है। जीवन में टेंशन तकलीफ और मुसीबत के बाद सुख शांति आती है। हमारा परम मित्र जेठालाल आज दुकान आकर बहुत खुश है, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में नट्टू काका और बाघा ने दुकान को अपनी दुकान की तरह संभाला। ऑब्वियसली धंधा भी अच्छा हुआ, और किसी भी व्यापारी के लिए अच्छा धंधा मतलब पांच उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। जेठालाल की खुशी आज सातवें आसमान पर है, क्योंकि आज दुकान आते ही दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। लेकिन जरा ठहरिए, अभी तो पूरा का पूरा दिन बचा हुआ है, और वैसे भी जेठालाल की किस्मत तो फिसलन से भरी हुई है। तो आगे देखते हैं कि दिन ढलते ढलते और क्या हंगामा होता है। दोस्तों आज दशहरा है, और हम सब आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं।
जिस तरह रावण अपने 10 सिरों से घिरा रहता था, ठीक उसी तरह जेठालाल अपने 10 पंगों से घिरा रहता है। लेकिन जेठालाल का पंगा मतलब हम सब के लिए चंगा, वही है हमारे लिए हंसी का हंगामा। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.